ये मैंने दूसरी तरफ से टर्न कर लिया। ये इसी शेप के बनते हैं आटे के समोसे, आपकी मर्जी, आप गोल शेप के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो देखे और खाए हैं ना, वो इस ऐसे शेप के होते हैं। इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ आटे के समोसे। आटे के समोसे, ये बहुत बचपन में हम लोग जहाँ रहते थे पहले बचपन में मुजफ्फरगढ़, वहाँ पर हमारे मोहल्ले में बनाते थे, बड़े मज़े के थे, तो मुझे बड़े याद आते हैं अक्सर। मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ कैसे बनेंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूंगी कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और मेरा Facebook पेज भी ज्वाइन कीजिए कुकिंग विद हबीबा के नाम से, दुआ में मुझे याद रखें। तो चलें फिर बनाते हैं आटे के समोसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम बना रहे हैं आटे के समोसे। उसके लिए सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए आटा, ये मैंने चक्की आटा लिया है, आपकी मर्ज़ी, आप मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन ये आटे के समोसे हैं तो हम इसको आटे से ही बनाएंगे। ये मैंने लिया है तकरीबन 3 कप आटा, इसमें मैं 1 चाय का चम्मच नमक डाल दूँगी और इसको ऐसे ही गूंद लूँगी। इसमें कोई घी भी नहीं डालूँगी मैं, सिर्फ़ नमक डाल के हम इसको गूंद लेंगे नीम गर्म पानी से। और ये तो इसकी डो है, इसमें हम डालेंगे फिलिंग जो हम करेंगे चने की दाल की, आपकी मर्ज़ी, आप कीमा भी डाल सकते हैं, आलू भी, लेकिन ये चने की दाल से ही बनते हैं। और इसमें हम डालेंगे चने की दाल, ये मैंने ली थी 1 कप, छोटा कप उसको बॉईल कर लिया, ये इतनी हो गई। और 1 दरमियानी प्याज, 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, ये इसमें चली जाएंगी। और मसाले हम इसमें डालेंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। मसाले हम इसमें डालेंगे गरम मसाला थोड़ा सा, बस 1/4 टीस्पून से भी कम, राई ये भी 1/4 टीस्पून, काली मिर्चें 1/2 चाय का चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई, पिसी हुई काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1/2 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्चें ये भी हम इसमें 1/2 चाय का चम्मच डालेंगे, कुटी लाल मिर्चें 1/2 चाय का चम्मच। नमक डाल के मैंने दाल को बॉईल किया था, इसलिए मैं बस थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि ये जो हम मसाले इसमें डाल रहे हैं ना, और उसमें फ्लेवर आ जाए नमक का। बस थोड़ा सा हम इसको हम रेडी करते हैं। आटे के समोसे बना रही हूँ, उसके लिए मैंने ये एक बहुत छोटा पेड़ा ले लिया। उससे पहले मैंने एक बनाया ना, वो बड़ा बन गया है मुझसे, तो मैंने कहा छोटा बनाएंगे, छोटे जितने स्मॉल साइज़ के बनाएंगे उतने ही अच्छे ये बनेंगे। इस साइज़ के इसको, ये इसी शेप के बनते हैं। इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ऑयल तकरीबन गरम हो गया, इसको में हम डाल देंगे दो दो डाल देंगे ताकि आराम से हो जाए। ये देखें, ये बहुत अच्छे फ्राई हो रहे हैं, इनको मैं दोनों तरफ से फ्राई करके
फिर निकाल लूँगी। बड़ी यूनिक रेसिपी लगी मुझे, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। ये मैंने दूसरी तरफ से टर्न कर लिया। ये इसी शेप के बनते हैं आटे के समोसे, आपकी मर्ज़ी, आप गोल शेप के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो देखे और खाए हैं ना, वो इस ऐसे शेप के होते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आटे के समोसे रेडी। इसको मैंने केचप के साथ सर्व कर दिया। दही चटनी से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो केचप भी पसंद करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।